आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कोई कहेगा चिकन तो कोई पनीर, कोई गोलगप्पे तो कोई टिक्की। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि दूसरे देशों में बैठे आपके भाई बंधु क्या क्या खाते हैं? देखिए, हम पहले ही बता देते हैं, वीडियो देखने पर नाक मुंह मत बनाइएगा, क्योंकि खाना बहुत अजीबोगरीब है। कमजोर दिल वाले टॉयलेट का दरवाजा खुला रखें और मुंह का स्वाद सुधारने के लिए संतरे वाली टॉफी साथ रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बेल्ट, ये डिश अंडा खा लेने वाले शाकाहारियों का भी दिल दहला सकती है। असल में इसमें बत्तख के अंडे के अंदर उसके बच्चे को थोड़ा सा बड़ा होने दिया जाता है। आप समझ लें, इसे एक भ्रूण बनने दिया जाता है और उसके पूरी तरह से विकसित हो जाने के पहले ही उसे उबाल कर पेट तक पहुंचा दिया जाता है। इसे फिलीपींस में बियर के साथ एक स्ट्रीट फूड के रूप में परोसा जाता है और लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। विचेटी ग्रब, इसको देखते ही आपको बेर बाबू की याद तो आई होगी। अरे वही जो लगभग सब कुछ खा जाते हैं, अरे वही जो बड़े दिलेर हैं, वही मैन वर्सेस वाइल्ड वाले। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में एक खास तरह के कीड़े पाए जाते हैं जो रेंग के चलते हैं। वहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और पकाकर खा जाते हैं। इसे बिना पकाए भी खा सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। पकने के बाद ये खाने में कुरकुरे जैसा लगता है। शिराको, जापानी में शिराको का मतलब होता है सफ़ेद बच्चे, पर डरिए मत, ये लोग बच्चों को नहीं खाते, बल्कि असल में शिराको एंगलर या पफर मछली के स्पर्म बैग को कहते हैं। देखने में ये सफ़ेद रंग के दिमाग जैसा लगता है। अगर आप इन्हें खाना चाहते हैं तो अखरोट समझकर खा सकते हैं। इसका स्वाद मीठे कस्टर्ड जैसा होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। क्रिस्पी टेरेंटुला, बारिश होते ही हम मांस से पकौड़ों की फरमाइश करते हैं, तो इस बार ट्राई करिए मज़ेदार मकड़ी के पकौड़े। और कोई ऐसी वैसी घरेलू मकड़ी नहीं, बल्कि खतरनाक टेरेंटुला। कंबोडिया में खमेर रूज के शासनकाल के दौरान लोगों ने इसे खाने की कमी के दौरान खाना शुरू किया और धीरे धीरे ये वहाँ का बहुत ही लोकप्रिय स्नैक बन गया। सुनने में आया है कि ये बहुत मसालेदार और डिलीशियस होता है। हगीस, अरे नहीं नहीं भाई, डायपर नहीं, ये खाने की ही चीज़ है, इसे खाते हैं कई लोग। इस खास रेसिपी में भेड़ के दिल, जिगर और फेफड़ों का कीमा बनाकर उसी के पेट के अंदर पकाया जाता है और कई सारे मसाले स्वाद अनुसार डाले जाते हैं। स्कॉटलैंड के लोग इसे उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। ब्लैक पुडिंग, वैम्पायर और ड्रैकुला का फेवरेट खाना खून था। बचपन में हम सब उनसे बहुत डरते भी थे। अभी भी लोग खून पीना तो नहीं, पर खाना जरूर पसंद करते हैं। इस डिश में खून को जमा दिया जाता है और उसे कई अलग मसालों और फ्लेवर के साथ एक सॉसेज स्किन में भर दिया जाता है। ये एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में काफ़ी पसंद किया जाता है। वेस्प क्रैकर्स, बिस्कुट हर एज का इंसान खाना पसंद करता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। खासकर अगर चॉकलेट बिस्कुट हो तो हम महंगी चॉकलेट की कमी सस्ते क्रीम बिस्कुट से पूरा कर लेते हैं। चॉकलेट चिप कुकीज की तो बात ही और है, पर सोचिए उन चिप्स को अगर हम छोटे छोटे कीड़ों से रिप्लेस कर दें तो। जापान में ऐसे खास तरह की कुकीज लोग काफ़ी पसंद करते हैं। वैसे तो इसके कई टाइप मौजूद हैं, पर लोग मिट्टी वाले कीड़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और मज़े ले लेकर खाते हैं। खाश, खाश अर्मेनिया, इराक और तुर्की में मुख्य रूप से खाया नहीं बल्कि पिया जाता है, क्योंकि ये एक तरह का सूप है। इसमें गाय के खुर और दिमाग को कई मसालों के साथ एक गहरे बर्तन में करीब 32 घंटों तक पकाया जाता है। इसे लोग सर्दी के दिनों में ही खाते हैं, क्योंकि ये इतना भारी होता है कि रात में खाए जाने पर नुकसानदायक हो सकता है। इसका सेवन किसी खास मौके जैसे शादी पार्टी में मुख्य रूप से किया जाता है। और हाँ दोस्तों, इसे भारत में नहीं बनाया जाता, क्योंकि यहाँ गाय को पवित्र माना जाता है। हौका, शार्क मछली जो इंसानों को कच्चा चबा जाती है। आइसलैंड के बाशिंदे उसे सड़ा कर खाना पसंद करते हैं। बास्किंग शार्क आइसलैंड में बड़े पैमाने पर खाई जाती है और लोगों के बीच बहुत फेमस भी है। इसे तैयार करने के लिए बास्किंग शार्क को खास तौर पर कई दिनों तक फर्मेंट किया जाता है और ये बहुत खतरनाक मछली है। पकड़े जाने पर बिना फर्मेंट किए आपको खा भी सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ अजीबोगरीब डिशेस जिन्हें बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें पसंद करते हैं वो मज़े ले लेकर खाते हैं। आप इन डिशेस के बारे में क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।